आदमी वो नहीं हालात बदल दे जिसको, आदमी वो है जो हालात बदल देते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू स्टडी योर फर्स्ट पोएम फॉर क्लास 12th एंड द पोएम इज कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। सर हेनरी वॉटन के द्वारा रचित ये पोएम द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ एक आदर्श मानव जीवन की तरफ हमें इंस्पायर करता है। दिस इज द मोस्ट इंस्पायरिंग एंड डिडेक्टिक पोएम बाय सर हेनरी वॉटन। एक आदर्श व्यक्ति कैसा होना चाहिए, किस किस तरह के गुण उसके अंदर समाहित होना चाहिए, किन चीजों से उसे दूर रहना चाहिए, यह संपूर्ण ज्ञान इस पोएम में हमें मिलता है। So let's begin the poem. This is the first stanza of the poem. How happy is he born or taught that served not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill. The poet describes the character of a happy man. He points out some of the essential qualities for a happy life. He advises us to be independent and true if we wish to be happy. एक आदर्श और खुशनुमा व्यक्ति का चरित्र कैसा होना चाहिए, इस स्टैंजा में पोएट ने डिस्क्राइब्स किया है, और कुछ एसेंशियल क्वालिटीज जो एक आदर्श व्यक्ति में होना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर हमें पोएट इस बात का सलाह दे रहा है कि अगर हम एक आदर्श और खुशनुमा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो हमें मानसिक रूप से और शैक्षिक रूप से भी स्वतंत्र होना पड़ेगा। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा खुश होता है, उसका जीवन एक आदर्श जीवन होता है। दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छा पूर्ति के लिए सेवा नहीं करता है, अर्थात उसका जन्म और उसकी शिक्षा इंडिपेंडेंट होती है, उसकी थिंकिंग उसकी एक्शंस। ही सेज, द पोएट सेज दैट हैप्पी मैन इज इंडिपेंडेंट इन हिज थिंकिंग एंड एक्शन। ही इज सेल्फ डिपेंडेंट, वो दूसरों पर आधारित नहीं होता है, एंड ही हैज दिस क्वालिटी बाय बर्थ और ही हैज बीन टॉट टू हैव इट, और जन्म से ही उसके अंदर इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं और शिक्षा भी वह इसी प्रकार से वो प्राप्त करता है जन्म से। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, आर्मर मीन डिफेंस यानी कवच, उसके ऑनेस्ट थॉट ही मीन द थॉट विच इज फुल ऑफ ऑनेस्टी, यही उसका कवच होता है। अर्थात जो व्यक्ति सत्यवादी होता है जीवन पर्यंत वह सत्य के पथ पर चलता है, वो हर एक प्रॉब्लम से सही मुसीबतों से वो हमेशा बचता रहता है, और ये ईमानदारी ही एक कवच के रूप में उसके जीवन को प्रोटेक्ट करती है। ही डज नॉट नीड एनी अदर वेपन्स फॉर हिज प्रोटेक्शन, एंड द लास्ट लाइन एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। अटमोस्ट स्किल मीन बेस्ट एबिलिटी, सर्वोत्तम योग्यता। द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ हिज कैरेक्टर इज सिंपल ट्रूथ, अर्थात एक सिंपल ट्रूथ ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। दस द मैन हु हैज दीज क्वालिटीज विल बी हैप्पी एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम्स एंड वरी इन हिज लाइफ। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, whose passion not his master's are. Passion mean strong feelings, अर्थात मनोवेग। whose passion not his master's are, nor in the words whose masters are not his passions, अर्थात जो अपने मनोवेग strong feelings के अधीन नहीं होता है, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है, उनको अपना स्वामी नहीं बनाता है, वह व्यक्ति एक आदर्श जीवन व्यतीत करता है।
and whose soul is still prepared for death, and who is always ready to get the death, to take the risk in his life. अर्थात वह शख्स जो अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, अपने पैशंस को अपने ऊपर हावी होने नहीं देता है, वो सर्वविजित होता है, वह सर्वशक्तिमान होता है. एंड ही इज़ नॉट गाइडेड और कंट्रोल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ हार्ट लाइक एंगर, हेट, लव एट्सेट्रा. अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ. अनटाइड मीन फ्री, मुक्त होना. प्रिंसली लव, यहाँ पर प्रिंसली लव का मतलब है द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द प्रिंसेस ऑफ द हाई रैंक पर्सन. और वल्गर ब्रेथ, वल्गर ब्रेथ मीन द क्रिटिसिज्म ऑफ द मीन पीपल. मीन ना ही वो हाई रैंक पीपल के कॉम्प्लीमेंट्स किसको विश होती है, और ना ही वो मीन पीपल के द्वारा क्रिटिसाइज किए जाने पर वो हतोत्साह होता है. वो इन सब से परे होता है, अनटाइड होता है. ही नीदर लैक्स फ्लैटरी नॉट डज ही माइंड द पब्लिक क्रिटिसिज्म, सो ही इज ऑलवेज हैप्पी. नाउ नेक्स्ट एंड अ थर्ड स्टैंजा. हु हैथ हिज लाइफ फ्री from rumors freed. Here you can see the word hath having the meaning has, because it is an archaic word. Yahan par hum hath ko has padhenge. Rumors mean afwah, freed mean swatantra. Now read in the words, who has freed his life from rumors. Arthat wo vyakti jisne apna jeevan afwahon se mukt kar liya hai. Whose conscience is his strong retreat. Conscience mean inner soul, antaratma. Retreat mean place of refuge, yani ki sharan sthali. Whenever he is sad, he depressed and frustrated, he follows the voice of his inner soul, and this is the strong retreat of his life. अर्थात वो अपने जीवन में जब कभी भी निराश होता है, दुखी होता है, वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है, उसको फॉलो करता है, क्योंकि वो ही उसकी सर्वोत्तम शरण स्थली होती है. हुज स्ट्रेट कैन नेदर फ्लैटरर्स फीट. स्ट्रेट मीन जीवन की अवस्था. फ्लैटरर्स मीन चापलूस, एंड फीट मीन उस पर हावी होना, सेंस ये रखता है. अर्थात चापलूस भी उसके जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, अर्थात चापलूसी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. ही इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्लैटरी. ही डज नॉट लाइक टू कीप कंपनी विद फ्लैटरर्स. द लास्ट लाइन, हूज सॉरी नॉट रुइन मेक ऑपरेशर्स ग्रेट. रुइन मीन होता है बर्बादी या विनाश. ऑपरेशर्स मतलब उसके दुश्मन या अत्याचारी. ग्रेट मीन बड़े या महान. इट्स मीन इवन द ग्रेट ऑपरेशर्स कैन नॉट गिव हिम हार्म, कैन नॉट हार्म हिम. उसके दुश्मन भी, उसका भला ना चाहने वाले भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाते. वो अपनी लाइफ को इस तरह से सेट करता है. Even a cruel and unjust man cannot give him any harm. So the person who leads such type of life always leads happy life and become an ideal person. Now the fourth stanza, which is the most important stanza for board examination. This man is free from servile bands. This man being an ideal person is free from servile bands. Servile mean dasita, slavish, and bonds mean bonds, yani ki bandhan. Bands mean bonds, yani ki bandhan. Yani ki yah shakhs, aise vyakti, jo adarsh vyakti hote hain, wo dasita ke bandhanon se hamesha mukt rehte hain.
और दासता के बंधन है कौन जो हमेशा व्यक्ति को दास बनाकर रखता है? द बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। हमेशा ऊपर उठने की इच्छा, आशा और असफल होने का भय, यह है दासता का बंधन। सो द मैन हु वांट्स टू लीड हैप्पी लाइफ शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल होप्स एंड फियर्स। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड, ही इज द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। वो अपने स्वयं के मन का मालिक होता है। ही इज ऑलवेज गाइडेड बाय हिज इनर सोल। दो नॉट ऑफ लैंड्स, इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो मटेरियल पोजेशंस एंड रिचेस, ही इज द मास्टर ऑफ हिज ओन माइंड एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। और उसके पास कुछ ना होते हुए भी, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास हर एक वस्तु होती है। ऑल्दो ही मे नॉट हैव वर्ल्डली रिचेस, इट मेक्स नो डिफरेंस टू हिम। भले उसके पास वर्ल्डली रिचेस ना हो, सांसारिक संपन्नता ना हो, फिर भी उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ही इज नॉट पुअर, वह अपने आप को गरीब नहीं मानता, एज ही इज द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, क्योंकि वो अपने स्वयं का मास्टर होता है। दस इस प्रकार से इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फैक्शन आर द मेरिट्स दैट मेक्स अ मैन हैप्पी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट पोएम। Enjoy learning and make the best use of your time. Thank you.